इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के रिप्रेज़ेंटेटिव सीक कम्बर में इम्पॉर्टेंट फ़िनोमेना फीडिंग और डाइजेशन को डिस्कस करेंगे सीक कम्बर्स इकाइनोडर्म्स ये सारे के सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर में रहेंगे और वाटर के अंदर रहते हुए जो इनका फूड है वो ज़्यादातर इसके अंदर पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर है पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर या स्मॉलर फूड ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर टेंटिकल्स की हेल्प से पुश किए जाते हैं अब टेंटिकल्स जो है उनकी टिप्स पे म्यूकस होगा म्यूकस के साथ फूड पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे और ये टेंटिकल्स जो है नॉर्मली दे आर स्वीपिंग अक्रॉस द सबस्ट्रेट और दे आर सिंपली हेल्ड इन दी वाटर फिर इसका टेंटिकल से फूड माउथ में आ गया माउथ के बाद जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है सीख कंबर का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसमें आता है स्टमक लॉन्ग एंड लूप्ड इंटेस्टाइन रेक्टम और एनस सीख कंबर जो है ये क्या करते हैं थर्स देयर टेंटिकल्स दर्स देअर टेंटिकल्स इन टू द सराउंडिंग सी वाटर और वहाँ से फिर फूड जो है उसको ट्रैप करके दे विल पुश इन टू द माउथ यहाँ पे आप ये देखें अभी हमने जो टेंटिकल्स की बात की दीज आर द टेंटिकल्स एंड दीज आर टेंटेकल्स दे विल बी थ्रस्ट इन टू द सराउंडिंग वाटर देयर टिप्स आर यूजली हैविंग द म्यूकस विद दैम और म्यूकस के साथ फूड पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे और देन दे विल बी एनगल्फ इन टू द माउथ माउथ से फिर ये फूड पार्टिकल आ जाएंगे स्टमक में स्टमक से दिस इज़ द इंटस्टाइन इंटस्टाइन इज Looped and long. Stomach is small, but intestine is usually looped and it is usually covering all the body of the animal. Intestine leads into the rectum and rectum leads to the anus. Anus pushes the undigested waste material outside the body. So, during digestion, this was the mechanism and these were the organs or structures involved with the digestive system. अब डाइजेशन में क्या होगा बॉडी के अंदर सिलोम में जो सिलोमोसाइट्स हैं दे यूजुअली मूव अक्रॉस द इंटस्टाइनल वाल और इंटस्टाइनल वाल पे जो सेल्स हैं दे विल्रीट सिक्रीशंस ये सिक्रीशन एंजाइम्स कहलाएँगी ये एंजाइम्स क्या करेंगे फूड को डाइजेस्ट करेंगे डाइजेशन के बाद जो असेंशियल फूड पार्टिकल्स हैं उनको जो है ये रिअबॉर्ब करेंगे और दे विल बी

देर विल भी डिट्रीब्यूशन ऑफ़ द फूड पार्टिकल्स देर विल भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द रेस्परेटरी गैसेज देर विल बी कुलेक्शन ऑफ वेस्ट मटीरियल एंड ऑल न्यूट्रेंट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी दैट इज इन कोनेक्शन विद द सेलोमिक फूड अब दूसरा इस सीख कम्बर के सिस्टम में जो डाइजेशन में हेल्प करता है अब दैट इज़ नोन एज द ह्यूमल सिस्टम हिमल सिस्टम भी इसके अंदर वेल डेवलप्ड है और इट इज़ यूजुअली हैविंग रिलेटिवली लार्ज साइनसिज़ और इसके अंदर देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स कंटेनिंग स्लोमिक फ्लूड्स और हिमल सिस्टम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम फूड को डाइजेस्ट करना है और हिमल सिस्टम जो है इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड